अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी विल डिस्कस द थर्ड लेक्चर ऑफ द मैकेनिक्स प्रैक्टिकल। द फर्स्ट स्लाइड इज़ अबाउट फ्लूइड मैकेनिक्स। व्हाट इज़ फ्लूइड मैकेनिक्स? इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट कंसर्न्ड और डील्स विद द मैकेनिक्स ऑफ द फ्लूइड। हमने इसमें जो है फ्लूइड की मैकेनिक्स पढ़नी है और कौन कौन सी फोर्सेस जो हैं वो इन पे अप्लाई हो सकती हैं, इनका आपस में रिलेशनशिप स्टडी करना, ये फ्लूइड मैकेनिक्स है। इन फ्लूइड्स में आ सकता है लिक्विड्स, गैसेस एंड प्लाज्मास। ये कौन कौन सी फील्ड में फ्लूइड मैकेनिक्स यूज़ होती है? सिविल इंजीनियरिंग में यूज़ होती है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, केमिकल एंड बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में, और जो हमारी फील्ड है ऑर्थोटिक्स एंड प्रोस्थेटिक्स भी बायोमेडिकल इंजीनियरिंग की सब फील्ड है। देन ये यूज़ होती है जियोफिज़िक्स में, जो अर्थ से रिलेटेड फिज़िक्स है। ओशिनियोग्राफी बेसिकली इट इज़ द स्टडी ऑफ द फिज़िकल एंड बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ द ओशन। एंड देन मटीरियोलॉजी, इट इज़ द ब्रांच ऑफ एटमॉस्फेरिक साइंसेस लाइक विच हैज़ द मेजर फोकस ऑन द वेदर फोरकास्टिंग। एंड एस्ट्रोफिज़िक्स, इट इज़ द ब्रांच ऑफ स्पेस साइंसेस एंड इट डील्स विद द लॉज ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री अबाउट द बर्थ, लाइफ, डेथ ऑफ स्टार्स, प्लैनेट्स, गैलेक्सीज एंड द अदर ऑब्जेक्ट्स विच वी हैव इन द यूनिवर्स। द नेक्स्ट स्लाइड इज़ अबाउट द एयर रेजिस्टेंस। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड अबाउट द एयर रेजिस्टेंस। इट इज़ द फ्रिक्शनल पुश फोर्स विच स्लोज डाउन द ऑब्जेक्ट्स एज दे मूव थ्रू द एयर। कोई भी ऑब्जेक्ट जो एयर में है इस वक्त, उस पर कौन सी फोर्स लग रही है, ऐसी फ्रिक्शनल फोर्स लग रही है, उसके बारे में स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल है इसकी, जैसे कि पैराशूट है और वो जब ओपन हो जाता है तो उस पर एयर रेजिस्टेंस कैसे इफेक्ट करती है, जो उसकी मूवमेंट को स्लो डाउन कर देती है। द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द एयर रेजिस्टेंस इज बर्नौलीज प्रिंसिपल। इट स्टेट दैट इंक्रीज इन द स्पीड ऑफ द फ्लूइड अकर साइमल्टेनियसली व्हेन देर इज अ डिक्रीज इन द प्रेशर और डिक्रीज इन द फ्लूइड्स पोटेंशियल एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल, इन अ हॉरिजॉन्टल पाइप द हाइस्ट फ्लूइड प्रेशर इज इन दैट सेक्शन वेयर द फ्लो ऑफ द स्पीड इज द लोएस्ट एंड द लोएस्ट प्रेशर इज एट दैट सेक्शन वेयर द फ्लो ऑफ द स्पीड इज एट द बिगेस्ट। इट मीन्स दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। अनदर स्टेटमेंट इज एयर मूव्स अराउंड एन ऑब्जेक्ट क्रिएट्स डिफरेंस ऑन द प्रेशर्स ऑन द ऑब्जेक्ट्स। फास्टर एयर मीन्स लेस प्रेशर, स्लोअर एयर मीन्स मोर प्रेशर। दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। First, I want to remind you that what is velocity and pressure. Velocity or a speed is the is to study that how fast the air is moving in distance per unit of time. Time के लिहाज से कितनी speed है उसकी किस चीज़ की, और pressure क्या है? Pressure is a force. It is a measure of force on a specific area. Another example is aeroplane. How it fly? It is because of the shape of the wing. The shape of the wing causes the air to travel for a longer period on the top of the wing, causes the air to travel faster, reducing the air pressure and creating a lift. As compared to the distance traveled, the air speed and the air pressure experienced beneath the wing. जो aeroplane होता है उसके जो wings हैं, विंग्स के ऊपर वाली जो सरफेस है वहाँ पर प्रेशर कम होता है, वहाँ पर प्रेशर कम होता है जिसकी वजह से एरोप्लेन लिफ्ट करता है। और सारा प्रेशर कहाँ पर जा रहा है? विंग के नीचे, जो उसकी स्पीड बढ़ाने में उसको मदद दे रहा है। ओके, सो द नेक्स्ट स्लाइड इज प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन समझाने का बेहतरीन है अगर आप स्पोर्ट्समैन हैं या आपने स्पोर्ट्स देखी हैं ऐसी, जिसमें जो विनाइल थ्रू होता है और जिसमें एक चीज़ जो है वो हम दूर से फेंकते हैं और एक वो कर्व बनाता हुआ अपने दूसरे एंड पे जाती है, वो चीज़ एक कर्व बनता है।
तो उसको हम क्या कहते हैं, उस कर्व को, उस फ्लाइट पाथ को हम कहते हैं पैराबोला। यहाँ पे पहले पढ़ते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन इज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट थ्रोन और प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टेड इन टू द एयर सब्जेक्ट टू ओनली द एक्सेलरेशन ऑफ द ग्रेविटी द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ए प्रोजेक्टाइल। और जो हम प्रोजेक्ट फेंक रहे हैं उसको हम प्रोजेक्टाइल कह रहे हैं, क्योंकि वो प्रोजेक्ट किया गया, किसी जगह फेंका गया है। एंड इट्स पाथ इज कॉल्ड इट्स ट्रेजेक्ट्री। प्रोजेक्टाइल इज एनी बॉडी विच इज थ्रोन और जम्प्ड इन टू द एयर। वंस इट हैज लेफ्ट द ग्राउंड इट विल फॉलो अ फ्लाइट पाथ दैट इज कॉल्ड पैराबोला अंटिल इट वंस मोर कम बैक डाउन टू द अर्थ एंड इट विल क्रिएट ए कर्व लाइक पाथ। This applies to the balls, juveniles, discus, long jumpers, high jumpers and horses show jumping. These are all sports activities. Here are the examples of the projectile motion. It includes golf ball, basketballs, juvenile, sky jumping, diving, trampoline, archery, saucer, football and cricket. Okay, so let's discuss about the spin. Spin is created by applying a force that is off-center. Off-center means that it is not exactly in the middle of the space or a surface to the object being thrown or kicked at the point of the release. The effect of the spin are important in all ball sports and throwing events. Sports में अगर हम देखें तो spin का मतलब है जहाँ से हमने वो चीज़ फेंकी है वो कॉन्स्टेंटली रोटेशन में रहेगी और वो अपनी उसी जगह पे जहाँ पे हमने रिलीज़ किया है उसी पाथ में वो नहीं जाएगी। वो स्पिन होता हुआ अपना जो लास्ट पॉइंट होगा उधर जाके वो उसकी पोजीशन चेंज होगी ज़रूर, वो पाथ भी चेंज होगा। तो यही स्पिन के फ़ायदे होते हैं। इस इफ़ेक्ट को हम कहते हैं मैग्नस इफ़ेक्ट, ठीक है। एंड इट इज़ ए ऑब्जर्वेबल फिनोमेना दैट इज़ कॉमनली एसोसिएटेड विद स्पिनिंग ऑब्जेक्ट दैट ड्रैग्स द एयर फास्टर अराउंड वन साइड। क्योंकि एक जगह जो है वो एयर का प्रेशर जो है वो कम होगा, दूसरी जगह ज़्यादा होगा, तो इट ड्रैग्स एयर फास्टर अराउंड वन साइड क्रिएटिंग अ डिफरेंस इन द प्रेशर दैट मूव्स इट इन द डायरेक्शन ऑफ द लो प्रेशर साइड। और जहाँ पर प्रेशर कम होगा वहाँ पर स्पीड ज़्यादा होगी। इट एक्सप्लेन्स वाई द पाथ ऑफ द बॉल्स डेविएट फ्रॉम द नॉर्मल फ्लाइट पाथ। इसीलिए जो स्पिन बॉलर्स होते हैं वो बहुत टेक्निक से जो है वो बॉल को थ्रो करते हैं ताकि जो बैट्समैन है वो सोचे कि बॉल यहीं पे आना था लेकिन वो स्पिन करता हुआ कहीं और जाएगा। स्पिन इज द कॉन्स्टेंट रोटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर अ लार्ज विजिबल ऑब्जेक्ट्स लाइक द अर्थ। स्पिन इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द टर्निंग ऑफ द अर्थ अराउंड इट्स एक्सिस। दिस टेल्स द अमाउंट ऑफ रोटेशन इट हैज़। एंगुलर मोमेंटम चेंजेस विद द मास एंड शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड हाउ फास्ट इट इज टर्निंग। ये फैक्टर्स हैं जो डिपेंड करते हैं कि एंगुलर मोमेंटम कैसे चेंज होगा। और एंगुलर मोमेंटम की पहले भी मैंने आपको एग्जांपल बताई थी, जैसे कि आइस स्केटर्स होते हैं और वो स्केट करते हुए कैसे स्पिन करना शुरू कर देते हैं, डांस भी करते हैं। ये सारे एग्जांपल हैं स्पिन की। स्पिन एंड द मैग्नस इफेक्ट। द स्पिन ऑन द बॉल स्लोज डाउन द एयर फ्लो ऑन वन साइड एंड स्पीड इज अप ऑन द अदर साइड क्रिएटिंग ए प्रेशर डिफरेंस एंड कॉजिंग द बॉल to move. Thank you.